दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। पिछले दिनों क्या हुआ है, लाशों की कितनी बेहरमती हुई है, कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक है, वो अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हों, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो अब 2 जून की रोटी लिए पटरियों को पर जा रहे थे, और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। सर, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें बीजेपी का क्या दोष है? सर देखिए, हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के ज़्यादातर 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है, लाशों की कितनी बेहरमती हुई है, कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई, दरिया में बहा दी गई। आपने देखा नहीं कि शमशान घाटों में लकड़ी तक नहीं मुहैया कराई गई। आखिर कौन सी सरकार रही है? क्या सिर्फ बड़े लोगों की है, मल्टी मिलियनर्स की सरकार? सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।